बनी, मुख्तलिफ मुल्कों की तंजीमें बनी, और फिर आपका ये जो शंघाई कॉपरेशन बना, एक शंघाई ने पूरा चाइना ने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर इंडिया को भी शामिल किया और कहा कि जनाब हम इसके अंदर कुछ ऐसे कानून बनाते हैं जिसके तहत जो हम आपस में ना लड़े बल्कि मईशत को बेहतर करें। सही। खैर ऐसी तंजीमें बनती गई, फिर आपका इस्लामी ममालिक ने तंजीमें बनाई मुख्तलिफ, और इस तरह से हम तंजीमों पर तंजीम बनाते हैं सिर्फ इसी सोच के साथ कि जी हम सबको इकट्ठे होना है। सही। अब वक्त गुजरता गया और अब आ गया वो वक्त कि अब वाकई में लोगों ने एहसास करना शुरू किया और जी फिर सबने ये सोचा कि जी अब हम आएंगे मईशत को बेहतर करने के लिए, सही सही। क्योंकि मईशत सारी दुनिया का मसला बन चुका है। सही। और इस मामले के लिए फिर चीन ने ये काम शुरू किया, हमने सीपैक का जो सेरेमनी था लॉन्चिंग का, उस वक्त भी हम जब करने गए तो लोगों ने कहा चीन फला कर देगा, सड़कों की जरूरत नहीं है, मोटरवे की जरूरत नहीं है, मगर हमने पाकिस्तान रखते हुए जी चाहे कोई भी सियासतदान आएगा हम इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे। सही। चीन से यही वादा हुआ था जनाब सियासत चलती रहेगी मगर सीपैक और पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं रोकेगी, सही। मगर अफसोस के सियासतदानों ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि जी कुछ देर के लिए रुके मगर बंद ना हुआ सीपैक का ये प्रोजेक्ट, सही। और ये सीपैक का प्रोजेक्ट बनते हुए आगे चला गया। बहरहाल अब अंदरूनी और बैरूनी मसले मसाइले किसी ना किसी बहाने से आना शुरू होने लगे। अब सही। जितने होने लगे कि मुल्क के अंदर आपस में हम लड़ पड़े, ये पुराना दौर को याद रखें, अंग्रेज कह गए थे डिवाइड एंड रूल, यानी आपस में कभी फिरकों में लड़वाना शुरू कर दिया। और आप देखें इस खत्ते के होते हैं कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें वहां अहले सुन्नत की जितने भी लोग पाए जाए वहां पे हैं, सही और अहले तशी यानी कि शियों की जो तादाद है वो ईरान में है। सही है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर ये दोनों फिरके मौजूद हैं, शियों के भी सुनियों के भी, सही। तो इन सबको लेते हुए फिर हम बात करते हैं एक ऐसा भी पाकिस्तान के लिए हालात पैदा, ईरान से अच्छे ताल्लुकात कर सकते थे ना अफगानिस्तान से क्योंकि हमें फिरकों में बांटा गया। फिर सही हम आए सऊदी अरेबिया की तरफ जहां हमने कहा कि यहां अल्लाह का घर है, सही चाहे शिया हो या सुन्नी हो, हमने सऊदिया के साथ दोस्ती की सही। और हमने यही कोशिश की कि हम अपने बेहतरीन ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से रखें। फिर हमें कोशिश किया गया था लड़वाने को, कोशिश किया गया था कि हमारे जो कारोबार है वो आगे ना बढ़े, तो कहा गया था कि जनाब अगर आप सऊदी अरेबिया से काम करेंगे तो किसी और मुल्क से ना करें, सही। मगर वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया हमारा बेहतरीन दोस्त साबित हुआ। और चीन के साथ मिलके आपने देखा कि चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी दोस्ती करवाई, सही। और हमें भी इस तरह से एक आया तो आप किसी के साथ भी करें किसी मुल्क को एतराज। हमने रशिया से भी ताल्लुकात बेहतर किए और वहां से भी कारोबार किया, ईरान से भी कारोबार करना शुरू किया, सही। सऊदी अरेबिया के साथ साथ हम जो हैं लड़ते गए और मसलों के हल की तरफ आने लगे। अब जैसे ही हम मसलों के हल की तरफ आने लगे हैं तो फिर अब हम एक ऐसा दौर आया जहां पे हमारे यहाँ ऐसा हीरोइज्म क्रिएट किया गया और ये क्रिएट किया गया कि जनाब फला शख्स चोर है, फला अच्छा है, एक नेक है, एक बुरा है, आपस में बांटना शुरू कर दिया गया। सही। और फिर जैनों को इस तरह जनाब के आपके मुल्क के मुहाफिज आपके दुश्मन है, सही। मगर अल्लाह का बड़ा करम ये हुआ कि वो जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। आपने देखा 9 मई की जो साजिश थी जी। वो दरअसल ये इसलिए थी कि पाकिस्तान को तोड़ना था। पाकिस्तान में आपस में आपने देखी जहां जहां हमले हो रहे थे फौजी अड्डों पे, वो एक साजिश को अल्लाह पाक ने उसको खत्म कर दिया। और फिर फौज ने कोशिश की कि जनाब आवाम को ये बताया जाए कि जनाब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सियासतदान एक हो गए, सही। सबने चाहे वो पीटीआई थी, पीपल्स पार्टी थी, एमकेएम थी, सबने कहा नहीं जनाब 9 मई का वाकया गलत हुआ, सही। यानी
कि पीटीआई ने भी कहा गलत हुआ, एमक्यूएम ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं जनाब, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, सही हमारी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं सही मगर हमारी जो है ना एक दूसरे से दुश्मनी नहीं हो सकती। सही सही तो ये सिलसिला चलते हुए, अब क्योंकि ये प्रोग्राम हिंदुस्तान में हर जगह पे रेडियो पे चल रहा होगा इस जी वक्त, जी तो जी मैं इसलिए किसी मुल्क से नहीं है, हमारी दुश्मनी जो है आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा एक दूसरे पैदा करें, हर इंसानों से मोहब्बत रखता है, तो अपनी अपनी पार्टियों की और दूसरे की, बाकी जो भी इंसान आपकी पार्टी की कारकर्दगी से मुताबिक दे, मगर खुदा रा आपस में बहस ना करें, मगर हम खत्म नहीं होंगे, हमने अपने ताल्लुकात, अपने दोस्ती मोहब्बत एक साथ एक दूसरे के साथ रखना होगा। तभी दोबारा से कह रहा हूं कि इस इलेक्शन के कैंपेन के दौरान कीचड़ मत उछालिए, एक दूसरे को बुरा मत बोले, एक दूसरे के जज्बात के साथ की खूबियां बता के अपने आप को अपने पार्टी को इस तरह से मशहूर करें ताकि लगे कि जनाब आपको वोट देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा कि आपकी कारकर्दगी अच्छी है, और सही जो शख्स भी इलेक्शंस में जीतता है सही उसको खुशामदीद कहें। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को, मुझे इजाजत दीजिए आसिफ, और दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल जनाब, आज का ये प्रोग्राम यकीन आपने सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि नदीम भाई जो है वो उनको मसरूफियत में कहीं जाना पड़ रहा है, तो जो प्रोग्राम है बहुत कम वक्त है, लेकिन कोशिश की गई है कि इसमें हम आपको तमाम चीज़ें आपको बता सकें। मुझे नदीम मौलवी की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड शब खैर।